संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी अपना पराया क्या ये केवल एक विचार मात्र नहीं है जो हमारी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस महामारी में कई लोगों ने जिसे वो अपना कहते हैं खोया है। क्या महामारी में कई सारी जो मौतें हुई हैं वो हमारी असंवेदनशीलता के कारण नहीं हुई हैं, जैसे दवा की जमाखोरी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी। हम शायद इसे अपना पराया के चक्कर में कई लोगों के लिए जहां हम कुछ कर सकते थे नहीं किया है। कृपया कुछ कहें। देखो संदीप, निश्चित ही अपना और पराया विचार भी है, समझ भी है और एक अस्तित्वगत घटना भी है। व्यक्ति समझता है जिसे अपना और पराया, उस समझने के कारण ही बहुत दुर्घटनाएं घटती हैं। संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता का परिदृश्य साथ साथ चलता है। महामारी शब्द ही महामारी है, व्यापक तौर से दुर्घटनाएं घटती हैं, तमाम लोग अपनों को खो चुके हैं, उनकी पीड़ा उनका दुख निश्चित ही यथार्थ है, जायज है। बाकी जो चीज़ लिखी है कि ये जमाखोरी, ये सारी चीज़ें, ये हमारे ही समाज के बीच का एक असंवेदनशील पहलू तो है ही है। हम ऐसे ही समाज के बीच में रह रहे हैं जहां ये पहलू भी है। समाज में इस पर कोई प्रतिक्रिया बहुत जोर शोर से नहीं उठाता, क्योंकि हमने मान लिया है कि यही चलन है। कई बार हो सकता है जो इस सब में लगा हो उसके घर में भी कोई दुर्घटना हो गई हो, कौन जानता है। अर्थक्वेक्स आते हैं, तूफान आते हैं, वहां देखिए लोग क्या शुरू कर देते। पिछली बार जब नेपाल में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तो न्यूज में मैं पढ़ रहा था, पार्ले जी का 2 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट मिलता है, बच्चे भूखे हैं किसी के और वो खिलाना चाह रहा है, तो 2 रुपए का पैकेट ही 200, 500, 1000 रुपए में लोग बेच रहे थे। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, लेकिन ये एकदम से चीज खत्म नहीं होगी कि हम इस पर बहुत आक्रोश जताएं या हम कहें कि ये बहुत ही नृशंस है। नृशंस है, लेकिन वो नृशंसता हमने भी सींची है। हम सबने मिलकर उस असंवेदनशील समाज का निर्माण किया है, तो उस संवेदना को व्यापक तल से हमको उभारना पड़ेगा। हम उस चीज को भूल गए हैं कि हम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर प्राणी हैं, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। ये है स्पिरिचुअल एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो कि लोगों में पहुंची नहीं है। अगर हम अंतर संबंधित हैं, अंतर निर्भर हैं, तो हमें सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए? उस सहायता का परिणाम तुम्हारे ऊपर क्या और कैसे आएगा कोई नहीं जानता। कई बार परिणाम परोक्ष होते हैं, कई बार अपरोक्ष होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन इस आपाधापी में जब कोई बचना चाहता है तो वो सारे वो कृत्य करता है। लोगों ने सिलेंडर्स तमाम लोगों ने इसलिए रख लिए और तमाम दवाइयां कि उनको या उनके अपने लोगों को जरूरत ना पड़ जाए, बाजार से वो गायब हो गई। तमाम लोगों को नहीं मिल पाई। लेकिन फिर तमाम वो लोग भी जिनको जिनका कोई अपना बीमार था और उन्होंने उस काला बाजारी से वो चीजें खरीदी, उन्होंने वो 2200 का इंजेक्शन
20,000, 25,000, 30,000 में खरीदा सिलेंडर, इतना महंगा महंगा खरीदा उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि हमको चाहिए तो हम पैसा दे सकते हैं तो हम लें। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि समाज में नीति ये होनी चाहिए, जरूरत थी तो लेना भी पड़ा, ये भी मैं मानता हूँ, करें क्या, मर रहा है व्यक्ति, लग रहा है जरूरत है, लेकिन थोड़ी प्रतिक्रिया भी करी। वहाँ पर लोग बहुत करुणावान हो जाते हैं कि भाई इससे लिया था या 25,000 सिलेंडर, अब इसकी FIR क्यों करें, काम भी करिए, उसको उसको समाज में कुछ हलचल भी होनी चाहिए। किसने कितने लोगों की रिपोर्ट्स करी कि हमने ये ब्लैक में कालाबाजारी में चीज़ें खरीदी थी, खरीदी होंगी तो किसी से तो खरीदी होंगी, उसका नंबर होगा, वेयर अबाउट होगा, कितने लोगों ने उसको सामने रखा कि हम नहीं रखना चाहते, हमारा काम हो गया ना, बात खत्म हो गई। वही व्यक्ति फिर किसी दूसरे के मरने का कारण भी बनेगा जब दूसरा व्यक्ति वो पैसा नहीं दे पाएगा और वो चीज़ नहीं करेगा। समाज एक विचित्र से युद्ध की स्थिति में होता है, हमको उसे स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो अभी परिस्थितियां तो विकट हैं बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम अच्छे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने ढंग से अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि ये उम्मीद करना कि समाज में सब दिव्य हो जाएगा, वो भी मैं कभी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ये द्वैत का नृत्य है, तमाम बहुत संवेदनशील लोग होंगे तो तमाम बहुत असंवेदनशील लोग होंगे, सब चलेगा। लेकिन हम व्यापक धरातल पर तस्वीर बदल सकते हैं, फिर वो उसके धरातल अलग चले जाएंगे, यानी कि संवेदनशीलता असंवेदनशीलता के धरातल बदल जाएंगे, लेकिन ये जीने मरने के धरातल पर बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। अब हो सकता है ये जो धक्का है, ये परिस्थिति है, और इससे कुछ मंथन से बेहतर निकले, उम्मीद कर सकते हैं। Thank you.